Hello students, I am Dr. Vinod Kamle. In this video, we are going to see the topic online transaction. Now, सबसे पहले online transaction का मतलब क्या होता है? कोई भी transaction या कोई भी give and take activity या कोई भी buying and selling activity जब internet का use करके किया जाता है तो उसको हम लोग online transaction बोलते हैं. Okay? Now, यहाँ पे आप लोगों को proper internet connection की जरूरत होती है तब जाके आपका transaction जो successfully हो सकता है, otherwise आपका transaction successfully नहीं हो सकता है. So, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं कि बाइंग एंड सेलिंग किस तरीके से होता है इंटरनेट के द्वारा. ओके, सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर हाउ द बायर कैन बाय द गुड्स और द सेलर कैन सेल द गुड्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट वी आर गोइंग टू सी यू हियर. नो, यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर जो होता है प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस कर सकता है और वो जो पेमेंट है वो पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकता है. सो दोनों ये जो एक्टिविटी है ऑनलाइन हो रही है, जहाँ पे गुड्स को भी परचेस किया जा रहा है ऑनलाइन और पेमेंट भी ऑनलाइन किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. सो देखते हैं कि कैसे ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रोसीजर होता है. तो सबसे पहले कस्टमर को क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन करना होता है. ओके, नो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जिस भी वेंडर के पास से या जिस भी सेलर के पास से आप लोग गुड्स परचेस करने वाले हैं तो उसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो आप लोगों को फिलअप करना होता है. ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अमेजोन के वेबसाइट पे अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पे आपको पहले वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं. अकाउंट क्रिएट करना मतलब ही क्या कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है. तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ओके, तो वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स आपके पूछेंगे, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, ओके, देन मोबाइल नंबर क्या है या दूसरे जो भी डिटेल्स है वो पूछे जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेंडर कि कैसा वेंडर है, उसके हिसाब से वो डिटेल जो है पूछता है. तो अभी ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, गुड्स को परचेस कर सकते हो. तो विदाउट रजिस्ट्रेशन जो होता है वो परचेस का आपको करने का जो आगे का प्रोसीजर है वो अलाउ किया जाता नहीं है. तो सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वो वेंडर के वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप लोग गुड्स को परचेस कर सकते हैं. तो ये पहला स्टेप हो गया. दूसरा होता है प्लेसिंग ऑर्डर. अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपके सामने क्या होगा, ऐसा एक ये स्क्रीन आएगा जहाँ पे आप अलग अलग गुड्स को देख सकते हो, जहाँ पे गुड्स का प्राइस या गुड्स के फीचर्स, ओके, वो गुड्स अवेलेबल है कि नहीं, कोई कितना डिस्काउंट है, कितने दिनों में वो गुड्स आपको मिलेगा, ये सारी डिटेल जो होती है वहाँ पे आपको मिलती है. प्लस यहाँ पे ये जो स्टार्स दिए रहते हैं, स्टार का मतलब क्या होता है, उसका रेटिंग होता है. तो कुछ लोग ये रेटिंग देख के गुड्स को परचेस करते हैं, जैसे ये 3 स्टार है, ये 4 स्टार है, मतलब ये मोबाइल अच्छा है इसके कंपेयर में, जस्ट नो. तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली गुड्स को कंपेयर भी कर सकते हो परचेस करने से पहले. ओके, सो जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो वहाँ पे, और उस सिलेक्ट करने के बाद में शॉपिंग कार्ट के अंदर आपका गुड जो है वो ऐड हो जाता है ना. शॉपिंग कार्ट मतलब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये कार्ट होता है. आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये 0 जो है उसका 1 हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या किया, उसने परचेस किया हुआ है. सो प्लेसिंग ऑर्डर में क्या होता है, आप गुड्स को अच्छे से उसके फीचर्स वगैरह देखो, प्राइस वगैरह देखो, कंपैरिजन करो, उसके बाद में जो आपको पसंद आएगा उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद में वो गुड जो होता है आपके शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड हो जाता है. नाउ शॉपिंग कार्ट के अंदर आपको सारी डिटेल आ जाती है. शॉपिंग खत्म होने के बाद में आप शॉपिंग कार्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पता चल सकता है कि आपने कौन से गुड्स को सिलेक्ट किया है. ओके, कितनी क्वांटिटी सिलेक्ट की है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर गुड्स है जिसका आपने 1 क्वांटिटी लिया है, दूसरा गुड्स है उसके आपने 4 क्वांटिटी लिए है. सो गुड्स कौन से लिए हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी प्राइस कितनी है, वो सब आपको वहाँ पे आएगा. प्लस टोटल कितना हो रहा है वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देगा. ओके, और ये सब करने के बाद में आपने आपके चॉइस के गुड्स परचेस करने के बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है. सो वो थर्ड ऑप्शन है. ये लास्ट स्टेप होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर, जहाँ पे अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से जो सूटेबल या आपको जो भी पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने वो आप तो पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. यहाँ के जो पेमेंट ऑप्शन होते हैं एकदम सिक्योर्ड होते हैं. सिक्योर्ड मतलब यहाँ पे हैकिंग होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बहुत ही रेयरली हैकिंग की केसेस होती है, बिकॉज यहाँ पे जो एनक्रिप्शन होता है, एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखोगे वो दिखेगा नहीं. आपने देखा होगा कभी ऑनलाइन अगर हम लोग पासवर्ड वगैरह टाइप करते हैं तो वहाँ पे ऐसे सर्कल्स आते हैं डार्क ब्लैक कलर के, पासवर्ड दिखता नहीं है कि हमने क्या टाइप किया है, या वहाँ पे ऐसे क्रॉस मार्क आते हैं एक्स एक्स करके, जैसे ना, क्यों, बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम लोग अपने डिटेल्स वगैरह डालते हैं, जैसे कि आपने आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर डाला, आपने वहाँ पे पासवर्ड डाला, अगर वो एनक्रिप्ट नहीं होगा तो पीछे वाला या आजू बाजू वाला कोई भी वो देख सकता है. इसके लिए हमेशा देखना पासवर्ड जो होते हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं, मतलब वो कोडेड हो जाता है.
आप लिखते बराबर हो बट वो दिखता नहीं है, वो कोड में चला जाता है XX या ऐसे डॉट के फॉर्म में। तो पेमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होता है यहाँ पे, जो इनक्रिप्ट किया रहता है इंफॉर्मेशन जो भी है आपका। ना अलग अलग कौन से पेमेंट के ऑप्शन है, तो सबसे पहला है कैश ऑन डिलीवरी। ना कैश ऑन डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपने प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट किया। पेमेंट आपको कब करना है, जब आपके डोर स्टेप के गुड्स आएगा, डोर स्टेप पे गुड्स आएगा मतलब आपके घर पे गुड्स आने के बाद में उनको आपको कैश देना है। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पेमेंट करना पसंद नहीं होता, या उनको डर लगता है कि हैकिंग वगैरह हो जाएगा, या उनके पास ये डेबिट कार्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। दूसरा पेमेंट का ऑप्शन है चेक। ओके, जबकि ये बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सेलर बायर जो होता है वो सेलर को चेक भेजता है, और चेक क्लियर होने के बाद में सेलर जो है बायर को क्या करता है, वो गुड जो डिलीवर करता है। रियलाइजेशन मतलब क्या, चेक क्लियर होना। आपको पता है चेक क्लियर होने के लिए 3 दिन लगते हैं। सो जब ये चेक क्लियर हो जाएगा उसके बाद में सेलर क्या करेगा, वो गुड जो है वो बायर को भेजेगा। देन नेट बैंकिंग ट्रांसफर। नेट बैंकिंग ट्रांसफर मतलब क्या होता है, ऑनलाइन जो आपका बैंक होता है ओके, जहाँ पे आपको लॉग इन करना होता है, पासवर्ड डालना होता है, वहां पे ट्रांसफर फंड का ऑप्शन होता है। उससे आप क्या कर सकते हो, बायर जो है सेलर के अकाउंट में पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या होता है कि पैसा होता है वो एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और पैसे ट्रांसफर होने के बाद में सेलर जो है आपको गुड्स भेज देगा आपके घर पे। फिर है डेबिट और क्रेडिट कार्ड। इसका भी ऑप्शन वहाँ पे रहता है कि वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पे आपको आपके डेबिट कार्ड का नंबर या उसका जो भी दूसरे डिटेल्स वगैरह, जैसे नाम क्या है आपका, CVV नंबर वगैरह जो होता है, पासवर्ड वगैरह होता है, वो एंटर करना होता है, और उतना पैसा आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा, और फिर बाद में आपको गुड्स आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा। ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो होता है इसको प्लास्टिक मनी बोला जाता है, ये आप लोग याद रखना, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये एक पेमेंट का ऑप्शन है। और डिजिटल कैश, डिजिटल कैश का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है, जैसे पेटीएम वगैरह हो गया, गूगल पे हो गया, भीम ऐप हो गया, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मोबाइल टू मोबाइल जो होता है या ऐप टू ऐप जो होता है पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये भी आजकल ऑप्शन अवेलेबल करके दिया हुआ है, जिसके वजह से अलग अलग पेमेंट का ऑप्शन यूज करके हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो किस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग और पेमेंट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग ने यहाँ पे देखा, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ओके, बिकॉज काफ़ी सारे कस्टमर आजकल ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करती है, बिकॉज वहाँ पे हमको वाइड ये चॉइस मिल जाती है। हम लोग को बहुत सारे प्रोडक्ट जो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, वो हम लोग को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में अवेलेबल हो सकते हैं। आराम से हम लोग गुड्स के डिटेल चेक कर सकते हैं, बहुत सारे गुड्स को कंपेयर कर सकते हैं, और जो बेस्ट वाला है उसको हम लोग परचेस करेंगे, और काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी होते हैं। सुनो, तो ऐसा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हम लोग को हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आगे यूज होने वाला है, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। ये मेरे URL है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।